नमस्कार दोस्तों, टेक विद सुभाष के अगले फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा तरीका जिससे आपका एडसेंस डिसेबल नहीं होगा अगर आप इवेंट ब्लॉगिंग करते हो। तो वैसे तो मैंने आपको बता रखा है कि इवेंट ब्लॉगिंग से एडसेंस डिसेबल नहीं होता, फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो इस पे यकीन नहीं कर रहे हैं। वो आपकी मर्जी है, अब आप यकीन करो या ना करो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आप एडसेंस का यूज ना करते हुए भी ब्लॉगिंग से पैसे कमा सकते हो। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इवेंट ब्लॉगिंग की, यानी कि विशिंग वेबसाइट से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। बेसिकली मैं इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ कि अगर आप जो एडसेंस का यूज ना करते हो तो आप खुद के ऐड बनाकर उससे पैसे कमा सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड यह वीडियो है। आप उसको और इस वीडियो को मिलाकर जो मैं बताऊं बातें, दोनों को मिक्स करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हो इवेंट ब्लॉगिंग से। तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए अमेजोन का अफिलियट प्रोग्राम ज्वाइन किया होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि अमेजोन का अफिलियट प्रोग्राम क्या है, किस तरीके से इसे ज्वाइन करते हैं, तो ऊपर आइए बटन पर क्लिक कीजिए और वो वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने अमेजोन के अफिलियट ज्वाइन करना आपको बताया है। सो उसी के बाद जो पूरी प्रोग्राम होगी, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या से क्या करना है। तो सबसे पहले आपको अपने अमेजोन के अफिलियट जो प्रोग्राम है उसको लॉगिन कर लेना होगा, और बाद में क्या करना है चलिए हम मोबाइल की स्क्रीन पर जाके देखते हैं। तो गाइज, सबसे पहले आपको जो अमेजोन के एसोसिएट प्रोग्राम में लॉगिन हो जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं अमेजोन के एसोसिएट प्रोग्राम में पहले से लॉगिन हूँ। सो यहाँ पर आपको होम का जो बटन मिलता है, इसके बगल में एक और बटन मिलता है आपको प्रोडक्ट लिंकिंग का। सो इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि तीन ऑप्शन हमारे सामने आ गए हैं। पहला है प्रोडक्ट लिंक का, दूसरा है बैनर का, और तीसरा है लिंक टू एनी पेज का। तो यहाँ पर आप जो पर्टिकुलरली जो किसी ऐप का जो है वो प्रोडक्ट होता है उसकी जो है वो ऐड बना सकते हो यहाँ पर आप चाहो तो। लेकिन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आप जो बैनर्स पर ही क्लिक करें। सो हम बैनर्स पर क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि बैनर ही अच्छे ऐड जो होते हैं आप देख सकते हो। सो आप प्रोडक्ट का भी ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ से जो बैनर्स पे हमने क्लिक कर दिया तो हमारे सामने बैनर लिंकिंग खुल गई है। सो यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको ध्यान में रखना है कि किस जो है साइज का आपको जो है ऐड लगाना है ना। सो यहाँ से जो हम देख सकते हो कि सबसे पहले हमें जो साइज मिलता है 300x250 का। सो मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट है, आप यही रहने दो, वरना आप अपने हिसाब से भी जो कर सकते हो। सो उसके बाद यहाँ पर आपको जो बहुत सारे बैनर्स जो देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ऊपर वाला amazon.in का, इसके नीचे भी जो हो मिल जाएगा, और जो भी आपको पसंद हो ना वो यहाँ से आप जो चुन सकते हो। सो चुनने के बाद यहाँ पर बाय द वे ये नहीं है कि इसको चुना है तो इसे सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं ये जो ऐड है इसे लगाना चाहता हूँ, तो इसके नीचे जो आप देख सकते हो कि ये HTML की कोडिंग है, ये देख लीजिए ये HTML की कोडिंग है। सो इस पर हम लॉन्ग फ्रेश करेंगे कुछ इस तरीके से। लॉन्ग फ्रेश करने के बाद सेलेक्ट ऑल करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमें जाना है अपने जो ब्लॉगर के HTML में। सो चलिए हम अपने ब्लॉगर के HTML में चले जाते हैं, और यहाँ पर मैं जो रिवर्स टू क्लासिक थीम पे आ चुका हूँ। अपने जो ब्लॉगर पे मैंने विशिंग वेबसाइट बनाए थे ना, उस पर आ चुका हूँ। सो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो थीम हमारे सामने आ गई है। सो यहाँ से जो आपको जहाँ पर भी ऐड लगाना है, जहाँ पर भी वहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि विशिंग वेबसाइट में एक लिखा होता है एडसेंस कोड हियर, सो यहाँ पर भी लिखा होगा, हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एडसेंस रिस्पॉन्सिव लिंक ऐड हियर। सो इसको जो है लॉन्ग फ्रेश करेंगे हम यहाँ से, इस तरीके से लॉन्ग फ्रेश करेंगे, हम देख सकते हो लॉन्ग फ्रेश किया, और इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो हम पेस्ट कर देंगे, पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है, हमें सेव करना है। सेव, यहाँ पर सेव का जो है वो बटन नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि वो विशिंग वेबसाइट तो बना लेते हैं लेकिन जब सेव करते हैं तो सेव जो है सेव पे क्लिक नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर जो देख सकते हो कि सेव क्लिक नहीं हो रहा है, सेव पे क्लिक नहीं हो रहा ना, तो इसके लिए यहाँ पर कहीं पर भी हम क्लिक करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, भाई आप देख सकते हो यहाँ पर क्लिक कर दिया, और यहाँ पर आपको टाइप करना है, क्या करना है, एस टाइप करना है। एस टाइप करने के बाद जो डिलीट कर देना है, एक बार टाइप करना है वापस डिलीट कर देना है। अब यहाँ पर आप एस टाइप करो, यू टाइप करो, वी टाइप करो, कुछ भी टाइप कर सकते हो, लेकिन एक बार टाइप करने के बाद वापस उसे डिलीट कर देना है। हमने टाइप किया और डिलीट कर दिया, तो चलिए हम बैक चलते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो सेव का बटन है वो यहाँ पर जो शो होने लगा। पहले यहाँ पर शो जो हाइट वगैरह था ना, धुंधला वगैरह था, तो सेव ही नहीं हो रहा था। अब सेव कर देते हैं, सेव तीन पे क्लिक करके हमने जो इसे सेव कर दिया। अब तो चलिए गाइस हम व्यू ब्लॉग पे क्लिक करते हैं। व्यू ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद बेसिकली हमें थोड़े से लोडिंग लेगा और नाम डालने के लिए बोलेगा, तो चलिए हम वेट कर लेते हैं। और यहाँ पर नाम डाल देते हैं, सुभाष ही डाल देते हैं, और का क्यों डालें, हम अपना ही डालेंगे, और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारी जो विशिंग वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। तो नीचे चलिए हम देख लेते हैं कि ऐड लगा है ना नहीं लगा है।
सो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अमेजोन डॉट इन का जो बैनर एड लग चुका है। इस तरीके से जो आप अमेजोन का जो बैनर एड लगा सकते हो, इस पर कोई क्लिक करता है तो अमेजोन की साइड पे जाता है और वहाँ पर चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद ये बोलेगा कि कहाँ ओपन करना चाहते हो। बेसिकली हम जो क्रोम में ओपन कर लेते हैं और क्रोम में ओपन करने के बाद यहाँ पर जो देख सकते हो बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए और इन प्रोडक्ट में से कोई भी प्रोडक्ट अगर वो बंदा परचेज करता है तो हमें कमीशन मिलता है, आपको पता ही है ना। तो इस तरीके से अमेजोन के एसोसिएट ऐड लगाकर भी आप जो पैसे कमा सकते हो गाइज। और गाइज यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक ऐड लगा लिया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने एक ऐड लगाया और दूसरा ऐड जो आप मैंने जो दूसरा वीडियो बताया था ना कि अपने खुद के ऐड कैसे लगाओगे, आपको बेसिकली मैंने जो शॉर्टनर URL शॉर्टनर होती है उसकी ऐड लगाने से कहता है, तो उसकी ऐड लगा सकते हो, साथ में आप इसके भी ऐड लगा सकते हो। यानी कि आप दोनों को मिक्स करके जो हो आप विशिंग वेबसाइट से पैसे कमा सकते हो। एक अमेजोन का एसोसिएट का जो है आपने ऐड लगा दिया अमेजोन का, और दो जो ऐड है क्योंकि तीन ऐड लगाने हैं हमें अपनी विशिंग वेबसाइट में, तो दो ऐड आप अपने खुद के बना लीजिए। जो कैसे बनाने हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं पता कि कैसे बनाने हैं खुद के ऐड तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, वो वीडियो जरूर देख लीजिए क्योंकि उसके बिना जो है ये वीडियो अधूरा है। तो गाइस देखा आपने इस तरीके से हम जो है एड ब्लॉगिंग करके पैसे कमा सकते हैं उस स्थिति में जब हमारे पास एडसेंस नहीं होता है, और इससे एडसेंस डिसेबल होने का कोई खतरा नहीं रहेगा क्योंकि हम एडसेंस के ऐड लगा ही नहीं रहे तो डिसेबल कहाँ से होगा। सो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद जय भारत।